तो यो बड़ी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट के पिक्सल आर्ट के ऐप के बारे में। पिक्सल आर्ट बहुत सारे बंदे डाउनलोड तो कर लेते पर उन्हें चलाना नहीं आता, तो आज की वीडियो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। उसका कैसे चलाते हैं हम वो बताएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं पिक्सल आर्ट होता क्या। पिक्सल आर्ट ऐसी चीज़ है, देखो कि आप पीछे मेरे देख सकते हैं, मैंने जैसे सिंचैन के करेक्टर बना रखे हैं और ये कैसे बनाए हैं तो वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है माइनक्राफ्ट पिक्सल आर्ट फोटो। तो जैसे आप इसको सर्च करोगे तो सबसे पहले पे नंबर पे वही आएगा, और मैंने ये पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। और ये बिल्कुल कम एमबी का है, 30 MB का है, फिर 30 से भी कम एमबी का है। तो आपको कुछ नहीं, डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लोगे फिर उसके बाद आपको अपने माइनक्राफ्ट में आना है। जैसे आप माइनक्राफ्ट में आओगे आपको कुछ नहीं, एक वर्ल्ड बनाना है बिल्कुल नया, ठीक है, बिल्कुल नया वर्ल्ड बनाना है। जैसे मैंने प्ले पे किया और क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे जाऊंगा। जैसे आप क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे चले जाओगे कुछ नहीं, आपको अपने वर्ल्ड का नाम रखना है और कुछ भी नाम रख दो, ठीक है। और आप वर्ल्ड के अंदर जा रहे हो तो देखो भाई, कुछ भी आप वैसी चीज़ कर रहे हो तो आपको क्रिएटिव में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्रिएटिव में चले जाना, उसके बाद आपको फ्लैट वर्ल्ड में जाना है। हाँ, क्योंकि आप कुछ भी बनाओगे तो फ्लैट वर्ल्ड ओके रहेगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा फ्लैट वर्ल्ड, ठीक है। तो मैंने फ्लैट वर्ल्ड कर दिया। और आपको फिर एक्सपेरिमेंट में जाना है, और हॉलीडे क्रिएशन आपको दिख रहा होगा, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉलीडे क्रिएशन नाम का आ रहा है। तो आपको इसको ऑन कर देना है, जैसे आपसे परमिशन मांगेगा तो बस आपको ऑन कर देना, ठीक है, क्योंकि इससे आप अपने माइनक्राफ्ट के अंदर कोई भी रैंडम ब्लॉक लगा सकते हो। फिर आपको प्ले पे दबा देना, और जैसे जब तक ये वर्ल्ड मतलब क्रिएट हो रहा है तब तक आप इस चैनल में नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो अगर नहीं किया तो। तो ठीक है, तो जैसे ही आप देख सकते हैं मैं वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुका हूं। और जैसे ही वर्ल्ड के अंदर मैं पहुंच गया हूं तो आपको कुछ नहीं करना, सेव एंड क्वाइट वर्ल्ड कर देना। सेव एंड क्वाइट वर्ल्ड कर दिया है और हमारा यहां पे डन लिखा हुआ आ गया। तो अब हमें इस वर्ल्ड को कॉपी करना। अब कॉपी कैसे करना है, जहां पे ये पेंसिल का निशान दिख रहा है तो बस आपको उसी वर्ल्ड में पेंसिल का निशान पे क्लिक करना है। और सबसे नीचे, जैसे थोड़ा सा अभी लोडिंग ले रहा है, सबसे नीचे चले जाना है। इसमें सबसे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कॉपी वर्ल्ड, और मैंने कॉपी वर्ल्ड पे दबा दी और हमारा वर्ल्ड कॉपी हो चुका है। तो इसके बाद हमें आना है माइनक्राफ्ट के पिक्सल आर्ट ऐप के, जो हमने डाउनलोड किया। तो ये जब हमने डाउनलोड किया तो ये थोड़ी सी परमिशन मांगेगा, मतलब वो कुछ भी एज वेज का मांगता है, ठीक है। तो हमने इसको परमिशन दे देनी है। अब देखो जैसे इसने कुछ भी मांगा, रैंडम मैंने कुछ भी भर दिया, जैसे 2021 ही भर दिया। तो आप कुछ नहीं करना, बस ऐसे करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सिंगल लेयर में क्लिक करना है और यहाँ बीच में प्रेस करना है। जैसे आप बीच में प्रेस करोगे वीडियो के लिए, वीडियो से जो ऊपर आ रहा है देखो वहाँ पे गैलरी में, फिर ये कुछ परमिशन मांगेगा, आपको बस अलो कर देना और कुछ नहीं है। गैलरी में जाना है, जो उनसे भी आपको फोटो चाहिए बस गैलरी में उससे उठानी है और बस पेस्ट कर देना। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये नरूटो लगाया, ये एनिमे करेक्टर है जो बहुत वायरल है, तो मैंने इसकी एक फोटो लगा दी। और आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा साइज के हिसाब से कर सकते हो। और बस आपको कुछ नहीं, बिल्ड में जाना है। और जैसे आप बिल्ड में दबाओगे तो एक छोटी मोटी ऐड दिखाएगा, वो 20 सेकंड की भी नहीं है, बस ऐसे ही आपको बस मतलब रोंग कट करना है, बस हो गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा ये नरूटो ऐसा दिखने लग गया है अभी से ही, पहले से ही। तो आपको बस कुछ नहीं है, थोड़ा परमिशन मांगता है, बस उसको करते रहना। तो आप कुछ भी इसका निक नेम रख दो ना, और दोनों ऊपर और नीचे जो भी निक नेम रखोगे सेम रखना। जैसे कि मैंने NA रख दिया, मतलब नरूटो का जो स्टार्टिंग के वर्ड होते हैं वो मैंने NA से कर दिया, ठीक है। तो फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको माइनक्राफ्ट के अंदर चले जाना, ये थोड़ा परमिशन मांगेगा, ठीक है। फिर आपको एक और एक छोटी मोटी ऐड दिखाएगा और आपको बस थोड़ी सा देख लेना, ठीक है। फिर आप कट कैंसिल करना उसको, और वहाँ पे लिखा हुआ आएगा माइनक्राफ्ट, वो देखो माइनक्राफ्ट स्टार्ट, ओपन माइनक्राफ्ट। जैसे आप ओपन माइनक्राफ्ट करोगे तो कुछ नहीं है, आपको उसी वर्ल्ड के अंदर चले जाना है जिस वो जो हमने वर्ल्ड बनाया। तो वापस मैं कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं उसी वर्ल्ड में आ चुका हूँ, जोन सा हमने अभी अभी वर्ल्ड बनाया था, बस हमें उसी में आना है और माय पैक में दबाना है, ठीक है। जनरेट मोड पैक वाले में नहीं, सिर्फ माय पैक में दबाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नरूटो का मतलब पोस्टर बन के आ रखा है, और आपको उसको एक्टिवेट कर देना है। जैसे आप एक्टिवेट करोगे कुछ नहीं, बस आपको माइनक्राफ्ट प्ले करना है और आपको फिर सर्च करना है, जैसे हम करते हैं कुछ भी ब्लॉक वैसे ही, ठीक है। आपको अपना जो भी आपने नाम से कर रखे, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप रैंडम, ठीक है, पर नीचे और ऊपर के नाम सेम होने चाहिए थे जैसे वहाँ पे मैंने बताया था। तो यहाँ मैंने NA सर्च करके यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नरूटो आ चुका है, और यहाँ पे आपको जो भी ये ब्लॉक मिला आपको बस प्लेस कर देना, वो भी ग्रास में, और उससे थोड़ा सा दूर चले जाना, क्योंकि ना उसे मतलब थोड़ा जनरेट होने में टाइम लगता है। और जैसे टाइम भी क्या, मतलब 1-2 सेकंड लगते हैं, ठीक है। और ये धीरे धीरे करके थोड़ा लोडिंग हो जा रहा है, और अब देख सकते हैं जैसे कितना, मतलब शर्ट से ही देख सकते हो, जो उसकी ड्रेसिंग सेंस है वहीं से देख सकते हैं, मतलब क्या मस्त लग रहा है, क्या कूल लग रहा है। और जब आप उसका फेस देखोगे ना तो आप बोल ही नहीं पाओगे कि ये मतलब कुछ वैसा है, क्या मस्त है ये देखो। बस ये थोड़ा ना मतलब लोडिंग लेता है, तो जैसे अब मैं उसके पास जाऊंगा देखो पूरा जो भी है, मतलब हमने पोस्टर बनाए आर्ट बनाई है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और देखो बस इसका फेस देखो, लाइक मतलब
पूरा ही चीज, मतलब बाल तक सेम है भाई, पूरा पूरा सेम है, उसका हेयर बैंड एकदम सेम है, उसका मुंह सेम है, उसकी स्माइल क्या ब्राइट आ रही है भाई, देखो तुम एक बारी, मतलब बहुत। और आप ना मतलब जैसे आप ये देख सकते हैं, आप वो सोच रहे हो ये इतनी बड़ी बना रखी है, आप ये अपने तरफ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में तो इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं अभी भी कह रहा हूँ यार, अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, तो प्लीज़ यार इस वीडियो में थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाओ यार, प्लीज़ मुझे, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो ही मैं आपके लिए ऐसी ऐसी हो रही मज़ेदार वीडियो बना सकूँगा। तो आज की वीडियो में तो इतना ही था, बाय बाय।